अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वी कैप्चर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि सहाफती दुनिया के मारूफ शख्सियत हरदिल अजीज़ हमदर्द, सीनियर जर्नलिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर, मुंसिफ न्यूज़ टीवी के साबिका न्यूज़ स्क्रिप्ट राइटर मकबूल अहमद साहब का कल 11 नवंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज असर 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के सबब इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आमीन। मरहूम मकबूल अहमद साहब कल सच न्यूज़ चैनल के ऑफिस में न्यूज़ स्क्रिप्ट लिखने के दौरान अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें फौरी अवेसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके इंतकाल की तस्दीक की। मकबूल अहमद साहब की अचानक मौत से उनके अहले खाना, दोस्तों और सहाफती दुनिया में गम की लहर दौड़ गई। मरहूम मकबूल अहमद साहब जर्नलिज्म में मास्टर्स किए हुए थे और उर्दू ज़बान में PhD किए हुए थे। मकबूल अहमद साहब के इंतकाल को उर्दू सहाफती दुनिया का बड़ा नुकसान माना जा रहा है। मरहूम मकबूल अहमद साहब की नमाज जनाजा आज 12 नवंबर बाद नमाज ज़ोहर सालार जंग मस्जिद चोली चौकी में अदा की गई और तदफीन गोलकुंडा में वाक़ जमाल कोंटा के कब्रिस्तान में अमल में आई। अल्लाह से दुआ है मरहूम मकबूल अहमद साहब की मगफिरत फरमाए, खबर की मंजिलें आसान करे, उनकी खबर को अपने नूर से मुनव्वर करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, हम आप सभी से भी अदबन गुजारिश करते हैं कि मरहूम मकबूल अहमद साहब की मगफिरत और बख्शीश के लिए अल्लाह की बारगाह में खुसूसी दुआ करें। आइए देखते हैं वी कैप्चर न्यूज़ की ये खसूसी रिपोर्ट में मरहूम मकबूल अहमद साहब के आखिरी सफ़र के कुछ झलकियाँ। हर अहम और ख़ास खबर के लिए वी कैप्चर न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। ठीक।